तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने दोस्तों को फोटो या वीडियो किस तरह से टैग कर सकते हैं, सेम जिस तरह से आप अपने फेसबुक पर किसी भी दोस्तों को आप फोटो या वीडियो टैग करते हैं, सेम उसी तरह से आप इंस्टाग्राम पे भी अपने दोस्तों को आसानी से फोटो या वीडियो को टैग कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोस्तों आपको सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने ऐप में लॉगिन कर लेना है, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो पर ध्यान देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो प्लस का निशान है जहाँ से आप वीडियो या फोटो अपलोड करते हैं उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक कर यहाँ पर आपको कोई भी एक फ़ोटो यहाँ से उठा लेनी है, जो भी आपको इंस्टाग्राम पर या फिर वीडियो जो भी आप अपलोड करना चाहें। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट का बटन देखने को मिल रहा होगा राइट साइड में, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब फिर आपको एक नेक्स्ट का बटन मिल रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड बार आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इफेक्ट अपने फ़ोटो में यहाँ से नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से राइट साइड में नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जैसे ही यहाँ पर टैग पीपल का, आप सिंपली इस टैग पीपल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपने दोस्तों को टैग किस तरह से करेंगे वो समझ लीजिए। दोस्तों अब इसमें टैग करने के लिए आपको क्या करना है, इस जो फोटो या वीडियो आपने अपलोड किया है उस पर आपको डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद यहाँ पर आपको एक सर्च फॉर ए यूजर का ऑप्शन, यहाँ पर ऊपर एक सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको उस फ्रेंड को सर्च करना है जिसको आपको टैग करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने एक मित्र का आपको टैग करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मेरा एक मित्र है अमित, मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये अमित को सेलेक्ट कर लिया और साइड में इसका कुछ मतलब आईडी का भी आइकन से देखने को मिल जाता है। और इसी तरह से अगर आप कोई मतलब आप कितने भी फ्रेंड को टैग कर सकते हैं। अगर आप दोबारा से किसी और को ऐड करना चाहते हो फिर से आपको डबल टैप करना है और यहाँ से फिर किसी जो भी फ्रेंड का नाम है उसको सर्च करके उस पर क्लिक करके आपको ऐड कर देना है सिंपली। अब ये फ्रेंड आपके टैग हो गया। अब आपको राइट साइड में जो राइट का निशान दिख रहा है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक शेयर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक करके आसानी से इस फोटो को आप अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हैं और जिस फ्रेंड को आपने टैग किया है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अमित यादव को आपने ये फ़ोटो टैग की है, साइड में आपको एक टैग का आइकन सा भी देखने को मिल जाता है। बस सिंपली यही तरीका है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार की नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।